नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 नवंबर देव उठनी ग्यारस के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही उज्जैन फतेहाबाद रेलखंड का भी इसी दिन वर्चुअल रूप से शुभारंभ होगा। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि सनावत मथेला रेलखंड पर भी इसी दिन मेमू चलाई जा सकती है, ऐसा अपुष्ट तौर पर कहा जा रहा है क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के द्वारा। इस आशय की मुलाकात नव निर्वाचित सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से अपने पत्र में की है। सामाजिक संस्था जनमंच के द्वारा इस सेक्शन के सीआरएस के बाद से ही इसको शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने सौंपे गए पत्र में कहा है, खंडवा इंदौर ब्रॉडगेज रेल मार्ग को पुनः संचालित और खंडवा सनावत मेमू ट्रेन को जल्दी से शुरू किया जाना चाहिए। तीन पुलिया रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में आ रही बाधा को दूर कर निर्माण कार्य तेजी से किया जाए। इंदौर खंडवा की रेल कनेक्टिविटी अभी तक शुरू नहीं की जा सकती है। वही दो साल से तैयार मथेला निमार खेड़ी सनावत ब्रॉडगेज पर अभी तक यात्री ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आने जाने वाले भक्तों को परेशानी हो रही है। जनमंच के सदस्य लंबे समय से इस सेक्शन में ट्रेनें शुरू करने की मांग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने हाल में होने वाले कार्यक्रम के साथ में वर्चुअल रूप से सनावत मथेला रेलखंड का भी उद्घाटन किए जाने की गुजारिश की है। साथ ही पहली ट्रेन के रूप में खंडवा से सनावत मेमू ट्रेन को भी वर्चुअल रूप से हरी झंडी दी जाए। गौरतलब है कि लगभग 4-5 साल से क्षेत्र में गेज कन्वर्जन के नाम पर रेल सेवा बंद कर दी गई है तथा करीब 2 साल पूर्व इस सेक्शन का सीआरएस भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया है। इस स्थिति में जनता को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा ग्रामीण क्षेत्र से आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगा किराया देकर उन्हें बसों में यात्रा करना पड़ रही है, जिससे अनावश्यक रूप से आर्थिक भार भी उनके ऊपर पड़ा रहा है तथा इस सेक्शन का यदि उद्घाटन हो जाता है तो वे लोग कम किराए में अपनी यात्रा लंबी दूरी के शहरों की कर सकते हैं। ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सेक्शन का उद्घाटन मोदी जी के हाथों से हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सनावत से खंडवा के बीच मेमू ट्रेन का उद्घाटन और मथेला सनावत रेलखंड का विधिवत शुभारंभ 15 नवंबर को हो पाता है या नहीं, यह आने वाले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।